हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के शो में आप सभी के लिए काफी जबरदस्त एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं, और ये जो एप्लीकेशन दोस्तों आपको 100% पसंद आ जाएगी। और जब इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में यूज करोगे तो आपके भी फ्रेंड आपसे पूछ बैठेंगे कि आप ये सब कैसे करते हो, हमें भी बता दीजिए। तो दोस्तों काफी जबरदस्त ये ट्रिक होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपको सारी बातें ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी ट्रिक है, किस तरीके से आपसे यूज कर सकते हो, इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में दोस्तों आपको घंटी का आइकन नजर आएगा तो इसे भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही दोस्तों मैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे एक बार यहाँ पर टच करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मेरे फोन में यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों काफी कमाल की ट्रिक है ना, यहाँ पर दोस्तों आपने कोई भी एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया, सिंपली अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे एक बार टच किया और यहाँ पर दोस्तों आपकी व्हाट्सएप ओपन हो गई। यहाँ पर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, फेसबुक को, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहे सिंपली आपको अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे एक बार टच करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और ट्रिक दिखाना चाहूंगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं एक और दो बार टच करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने हमारा फोन ऑफ होने के लिए आ चुका है, रीबूट होने के लिए आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर को मल्टी टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इसका नाम है फिंगरप्रिंट गेस्चर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन को जैसे आप अपने फोन में इंस्टॉल करोगे तो यह एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगी, तो उन परमिशनों को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस बटन को आप जरूर से ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है सिंगल टैप का, यानी दोस्तों जैसे आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे एक बार टच करेंगे तो कौन सी एप्लीकेशन ओपन हो जाए उसके लिए पहली सेटिंग है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहां पर थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप का, तो जैसे ही दोस्तों आप ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को सेट करके रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए इस बार म्यूजिक को सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने म्यूजिक को सेट कर लिया। चलिए दोस्तों इसे ट्राई करके देखते हैं कि हमारा म्यूजिक ओपन होता है या फिर नहीं होता। तो यहाँ पर मैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर एक बार टच करूंगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फोन में यहाँ पर म्यूजिक ओपन हो चुका है। तो काफी अच्छी तरीके से ये जो एप्लीकेशन है अपना काम कर रही है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर एक और ऑप्शन है डबल टैप, तो जैसे ही दोस्तों आप इसे चूज करेंगे तो यहां पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो दोस्तों इन ऑप्शनों को भी यूज कर सकते हैं कि डबल टैप करेंगे तो आपका फोन बैक हो जाए या फिर होम में आ जाए या फिर रीसेंट ऐप ओपन हो जाए, आप इन्हें भी चूज कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने चूज करके रखा है पावर बटन मेन्यू, यानी हमारे सामने ऑफ का बटन आ जाए। आप अपने हिसाब से यहां पर किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि आप डबल टैप करेंगे तो यहां पर नेक्स्ट सॉन्ग हो जाए या फिर प्रीवियस सॉन्ग हो जाए या फिर पॉज या प्ले हो जाए, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी दूसरी एप्लीकेशन को यहां पर ऐड करते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं इस बार ऐड कर लेता हूं, तो यहां पर दोस्तों मैं Amazon की एप्लीकेशन को ऐड कर लेता हूं। चलिए दोस्तों अब इसे ट्राई करते हैं। तो यहां पर मैं एक और दो, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फोन में Amazon की एप्लीकेशन ओपन हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, काफी अच्छी एप्लीकेशन है, यूजफुल एप्लीकेशन है, नई एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को एक बार आप अपने फोन में ट्राई जरूर से करिएगा।